Welcome to our channel Education Digital. Today friends, we are going to do the topic evaluation. Evaluation is the most important topic for reet and education psychology. इस टॉपिक का दोस्तों सबसे मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ और नोट्स के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. तो जो भी हमारे चैनल पर नए लर्नर्स आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो मिलते रहे. देखिए इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन और मूल्यांकन का हिंदी में हम कहें तो मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्य का अंकन करना, वैल्यू का निर्धारण करना. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सबसे तीन बातें क्या हैं कि ग्रेड निर्धारण, परिणाम पर चर्चा और निर्णय लेना. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इवैल्यूएशन की प्रोसेस में क्या होता है कि ग्रेड असेसमेंट ऑफ ग्रेड, ग्रेड का असेसमेंट किया जाता है. उसके बाद जो रिजल्ट है उसका एनालाइजेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि रिजल्ट में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या है. उसके बाद निर्णय लेना, निर्णय लेने का मतलब किसी चीज़ के बारे में जजमेंट करना. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो जो इसकी बेसिक बातें वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले असेसमेंट ऑफ ग्रेड, एनालाइजिंग ऑफ रिजल्ट एंड द डिसीजन, डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एवैल्यूएशन. उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाया हुआ है जिसे हम देखिए तीन माध्यम से दिखाता हूँ मैं आपको. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य कौन से हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लेकर हमारे क्या उद्देश्य हैं, शिक्षिक उद्देश्य कि कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसके लिए क्या उद्देश्य होता है. उसके बाद है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सब क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं और जब बाद में सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और जो बच्चे ने सीखा उसके बारे में जजमेंट करना और उसका निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन. किस बच्चे ने कितना सीखा उसका निर्धारण करना ही इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कहलाता है. तो आपको इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ. देखिए यहाँ पर इवैल्यूएशन क्या है, कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव प्रोसेस है. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही हैं. जैसे कि बच्चों को हम अंक देते हैं वो इवैल्यूएशन के अंदर आता है, उनको ग्रेडिंग देते हैं उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक आता है. इवैल्यूएशन जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें सेंट्रल रोल है इम्प्रूवमेंट इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए इवैल्यूएशन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है. देखिए इवैल्यूएशन के अंदर एक टर्म है CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा. फिलहाल मैं आपको इसकी बेसिक बता रहा हूँ कि इवैल्यूएशन को हम समझ सकें हिंदी में ईजी से भी इसका मतलब क्या है. उसके बाद देखिए डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू, नेचर, करेक्टर और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन, किसी भी चीज़ की करेक्टर की वैल्यू का, उसके नेचर की क्वालिटी के बारे में कुछ भी निर्णय लेना या उसे निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन. उसके बाद है प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इम्प्रूवमेंट, जजमेंट मेकिंग और सुधार करना, ये भी क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस है. इवैल्यूएशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जा रहे हैं, ग्रेड निर्धारित की जा रही है, उसके बाद बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, फिर बच्चे जो सीख रहे हैं उनके रिजल्ट पर चर्चा की जा रही है. तो इस तरीके से ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस में आता है. ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रीट के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहें.